18 से 45 वर्ष तक युवाओं के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार का कहना है कि युवाओं के टीकाकरण के लिए वैक्सीन की पहली खेप राज्य सरकार ने मंगा ली है। यह बताया गया है कि राज्य में विभिन्न जिलों में कुछ चयनित जिलों में जिसमें कि कोविड केस ज़्यादा था, डेथ रेट ज़्यादा था, उसमें 18 प्लस के लिए परसों से वैक्सीनेशन शुरू करने का आदेश दिया गया है और वो वैक्सीन कल तक शायद उपलब्ध हो जाए और हम लोग यहाँ बोकारो में 18 प्लस से जो ऊपर के हैं उनके लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। राज्य के जिन जिलों में कोरोना संक्रमित मरीज की संख्या और मृत्यु दर अधिक है उन जिलों में पहले चरण में युवाओं को वैक्सीन देने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उसमें ये भी बताया गया कि ये बिल्कुल ही अलग सेशन साइट होगा जो कि 45 प्लस से अलग होगा और टीम भी अलग होगी और सारा इसका ब्यौरा बिल्कुल अलग होगा क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है जो कि फ्री में 18 प्लस को दिया जाए। राज्य सरकार ने पूरी तरह से निशुल्क टीकाकरण का फैसला लिया है और इस वैक्सीनेशन का लेखा जोखा 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को दिए जा रहे टीकाकरण से अलग रखा जाएगा। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट।